Oh my God! नहीं नहीं हाथ क्यों छोड़ूंगा हाथ क्यों छोड़ूंगा मेरे चारों ओर पानी है और पूरा कवर किया हुआ है कांच से बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन सी फूड के बाद आज फाइनली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है यहाँ पे I opened this vegan restaurant 3 months already. Just service for people do meditation who want to get better life in Seoul, and then they try to eat clean food, everything just make your real happiness. Thank you. Yeah. What's your name? My name is Bambi. Bambi. Yeah. Actually, अभी बच गया है एक. बिकॉज हम लोग लेट उठते थे कल हमने एक्चुअली यहाँ नाइट लाइफ एक्सप्लोर करी थी. अगर आपने नाइट लाइफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा ऊपर. सो गाइस ये है वेगन करी और यह है वेगन सैंडविच और यह है कॉफ़ी. सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज हिमांशु एंड आई एम ए ट्रैवल ब्लॉगर. और आज के दिन की शुरुआत हमने वीगन फूड से की थी और अभी हम लोग जा रहे हैं विनपर लैंड, जो बहुत ही फेमस यहाँ पे लैंड है. यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने लायक हैं. एक तो आप केबल कार के थ्रू जाते हो उस आइलैंड पे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, वाटर पार्क है, जिसमें बहुत अमेजिंग राइड्स वगैरह हैं. से टाटा टाटा बाय 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 बाय. सो गाइस एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी दिस इज द टिकट काउंटर और यहाँ पे दो टाइमिंग्स हैं बेसिकली और दो टाइमिंग्स के अलग अलग एंट्री चार्जेस हैं. मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये पॉम्पलेट है जिसमें इसमें टाइमिंग्स लिखी हुई हैं. यहाँ पे दो टाइमिंग है एंट्री करने की, एक तो आप पूरे दिन के लिए टिकट बुक कर सकते हो और दूसरा है कि आप 5 बजे बाद की एंट्री ले सकते हो. जो पूरे दिन की टिकट है वो पड़ती है वो आपको अराउंड 2300 के आसपास, जो कि 880,000 डोंग यहाँ की करेंसी के हिसाब से पड़ता है. और अगर आप 5 बजे की बाद की टिकट बुक कराते हो, 5 बजे की बाद की टिकट जो है वो पड़ती है आपको 450,000 डोंग, जो कि 1200-1300 रुपये इंडियन करेंसी पड़ता है. और हम लोगों ने जो कराई है वो 5 बजे के बाद की कराई है. और जैसा कि मैंने आपको लोगों को दिखाया, जो राइड्स हैं वो कुछ कुछ इंक्लूडेड होती हैं, टाइमिंग्स होता है बेसिकली हर एक राइड्स का और हर एक एक्टिविटी का. प्लस आपको इसके जस्ट सामने टिकट काउंटर के सामने करेंसी एक्सचेंज काउंटर मिल जाएगा, करेंसी ATM मिल जाएगा. बेसिकली आप लोग अपने इंटरनेशनल कार्ड से करेंसी निकाल सकते हैं. और दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऐसी कोई क्रेन में. वाओ अमेजिंग व्यू आ रहा है यार, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी. काफी अच्छा तरीका है इन्होंने ना यहाँ से आइलैंड पहुँचने के लिए केबल कार बनाया हुआ है. टूरिज्म के लिए भी अच्छा है और एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है. छोटी बात चीज़ है कि अगर आप केबल कार से भेजते हो आप लोग कभी भी सी के अंदर आप गंदगी नहीं कर सकते. इसी रात देखो कि यहाँ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लीन है. एग्जैक्टली वेलकम टू दी विनपर आइलैंड. और हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं और एक मैं बोलूँगा कि यार ये बहुत सही जगह है फैमिली के लिए, अगर आप बच्चों बच्चों को लेके आते हो, बिकॉज पूरा अम्यूजमेंट पार्क है. दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट राइड और फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है. आप लोगों को अमेजिंग फेस एक्सप्रेशंस देखने को मिलने वाले हैं, लेट्स सी कैसा होता है. भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले उतार दे, लेकिन भाई लैंड करा दे, लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे खतरनाक खतरनाक राइड के बाद. सो गाइस उसके बाद हम ये दूसरी राइड कर रहे हैं
जान में जान बना के और पूरी हिम्मत जुटा के दूसरी राइड सुपरमैन बन जाएंगे आज। और तुम मुझे लो फेस एक्सप्रेशन के, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना खतरनाक सदमा लगाया अभी उस वाली राइड के बाद। आज खाया पिया आइटम सारा पचने वाला है। अबे वो बेहोश हो गई, वो बेहोश हो गई करण, करण बेहोश हो गई, वो लड़की बेहोश हो गई, वो देखो हाथ छोड़ दिया उसने, हाथ छोड़ दिया, लड़की बेहोश हो गई, उड़ गई। सो गाइस, कोलंबस छुट्टी है आई, चलो चले नया मुल्क ढूंढे चल के, भाई कोई ऐसी कोई डायलॉग है। अभी हम बैठे हैं कोलंबस में, बहुत हमारे बैठे हैं सामने एकदम हो गया था कि हम यहाँ बैठे हैं, धीरे धीरे चल रहा है और हम काफी टॉप पे आ गए थे, यहाँ से पूरा हाईलाइट दिख रहा है और पूरी सिटी दिख रही है। ये कि आप चीजें देख सकते हो कि कितनी कितना बड़ा हाईलाइट है, क्या क्या चीजें हैं नीचे, ये सारे होटल्स वगैरह दिख रहे हैं नीचे, अंधेरा भी काफी हो गया तो आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, वियतनाम आइस के बाद हम लोग जा रहे हैं अब अंडरग्राउंड वाटर शो देखने के लिए, सिर्फ 5 मिनट रह गए, आई होप बंद ना हो, तो फटाफट हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और वियतनाम आई में ज्यादा मजा नहीं आया, बहुत ही स्लो चल रहा था, बस व्यूज देखने के लिए बेस्ट है, फोटोग्राफ क्लिक कर रही है तो उसके लिए बेस्ट है, तो आई होप दिन का टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा जाने के लिए। चारों ओर पानी है और पूरा कवर किया हुआ है कांच से, और सारी मछलियाँ और तरह तरह की अलग अलग स्पीशीज दिख रही है, अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने भी देखी फिशेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, दौड़ते दौड़ते समाव हमने ये बंद होने से पहले पहुंच गए और कैप्चर कर पाए, थोड़ा जल्दी जल्दी में किया बट मज़ा आया काफ़ी, और फिल्म भी किया तो थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड करने को मिला मुझे, बिकॉज मुझे शूट भी करना था और देखना भी था, बट एनीवे मैं तो वीडियो में कभी भी देख सकता हूँ, बट अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं इस टाइम पे करने के लिए। सो गाइस, कुछ टाइम के बाद ये एस्केलेटर बंद हो जाता है और सीरो से चढ़ के आना पड़ता है, और जो हालत होती है देखो, ये देखो, ये बंदा देखो, पहाड़ का लौंडा है, हालत देख रहे हो इसकी, इतनी सीढ़ी चढ़ गई, हालत ख़राब हो गई है, सीरियसली सीढ़ियाँ बहुत ख़तरनाक है, तो कोशिश करें टाइम से आ जाए ताकि एस्केलेटर की टाइमिंग बंद ना हो। माइनिंग एडवेंचर, तो गाइस नेक्स्ट राइड जो है ये माइनिंग एडवेंचर की राइड है, काइंड ऑफ रोलर कोस्टर है, तो अंदर माइंस के अंदर से निकालते हुए ये लोग इसको ट्रेन को ले जाएंगे, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है, अभी तक तो फन आ रहा है, आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को।
Amazing. It's one man. Seriously. रोलर कोस्टर में बड़ा थ्रिल आ रहा है. अगर आप लोग आते हो तो आई रिकमेंड किया पक्का रोलर कोस्टर ट्राई करना, माइन वाला. और ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है. भाई लोग अकेले आ रहे हैं रात को. करण रामी साले, मेरी फट्टी लगी अभी से. बजी घंटी बजी. छोटा है भाई, बड़े में तो लोग मर जाएंगे. जो बड़े बड़े दिखाते ना गाइस, अमेजिंग. छोटा सा है लेकिन थ्रिलफुल है. पक्का आना यहाँ, मजा आ जाएगा भाई. थैंक यू. सो गाइस, इसी के साथ होता है हमारा आइलैंड का सफर खत्म और हम लोग जा रहे हैं वापस नाहतरंग सिटी में. सो गाइस, जो आइलैंड का रहा बेस्ट रहा, मजा आया खूब. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यार दिन भर तो बनता है यहाँ पे. इतनी अमेजिंग राइड्स हैं और बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पाए, ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते थे अगर हम पूरा दिन के लिए आते तो. आई रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है पूरे दिन का तो जरूर एक दिन यहाँ पे स्पेंड कीजिए. सुबह आ जाइए, सुबह से शाम तक यहाँ सारी दुकानें हैं, खाना पीना एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस होटल को, थोड़ा रेस्ट करते हैं. काफी घूम लिया, काफी राइड्स लेके पेट और सर दोनों घूम रहा है. और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बिकॉज आई थिंक आज हम लोग डिनर वगैरह बाहर करेंगे कहीं अच्छी जगह. लेट्स सी क्या होता है, स्टे ट्यून्ड. और हाँ, अगर आपको राइड्स, कौन सी राइड सबसे अच्छी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना. क्यों करण? बिल्कुल करण भाई, तो हमारे मेरी फेवरेट राइड थी रोलर कोस्टर राइड. सो मतलब ये एक ऐसा हुआ ना, पता है, मैं बताता हूँ, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम. तो क्या हुआ कि ये इसको मैंने एक राइड पे दो बार जाने के लिए बोला रोलर कोस्टर के लिए. मैं मेरा फर्स्ट टाइम था, टू बी ऑनेस्ट. मैं पहले कभी रोलर कोस्टर राइड पे नहीं गया हूँ. तो भाई ने कुछ बताया नहीं, तो भाई के भरोसे बैठ गया सबसे लास्ट वाली सीट में. कहता सबसे लास्ट वाली सीट सेफ, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं होता. बैठ गया भाई. उसके बाद आपने वीडियो देखी होगी, क्या हालत खराब हुई है. मतलब फन आ गया लाइफ में. सही है यार, मतलब बनता है, एक बार तो ऐसा करना बनता है. अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे बताता हूँ. ठीक है भाई, ओके भाई.